अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द मुलिगन कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनल फॉल्ट। इसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, पिल रिस्पॉन्स, क्रॉक्स रिस्पॉन्स और द टेक्निक ऑफ द मुलिगन के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनल फॉल्ट, सो मुलिगन प्रपोज दैट द इंजरी और स्प्रेन माइट बी रिजल्ट ऑफ पोजिशनल फॉल्ट दैट कॉजिंग जॉइंट रिस्ट्रिक्शन इन फिजियोलॉजिकल पोजिशन और मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि मुलिगन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी को पोजिशनल फॉल्ट है तो दैट मे बी लीड टू इंजरी और स्प्रेन और माइट बी कॉजिंग जॉइंट रिस्ट्रिक्शन इन फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। यानी पोजिशनल फॉल्ट जो है हमारा ये कंडीशन हमारे करवा सकता है। सो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए द मुलिगन टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड टू ओवरकम दीज जॉइंट प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, पोजिशनल फॉल्ट और जॉइंट विद स्टेबल बायोमेकेनिकल चेंजेस। तो मुलिगन टेक्निक्स जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और जो कि ओवरकम कर सकती है हमारी इन प्रॉब्लम्स को जो कि हमारी पोजिशनल फॉल्ट की वजह से हो रही हैं। देन मुलिगन फोकस के नॉर्मल जॉइंट कुछ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं दैट द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेसेस, द थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज, ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स, द डायरेक्शन ऑफ द पुल मसल्स एंड टेंडन्स दैट फैसिलिटेट फ्री बट कंट्रोल मूवमेंट वाइल simultaneously minimizing the compressive force generated by that movement. So, in our body we have a normal proprioceptive feedback that maintain all these balances. अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन आ जाए या ऊपर जो है हमने जो भी फैक्टर्स बताए उनमें कोई अल्ट्रेशन आ जाए तो हमारी जॉइंट पोजीशन या ट्रिकिंग जो कि ड्यूरिंग मूवमेंट में वो हमारी बढ़ेगी, प्रोवोक होगी। उसके साथ साथ हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स ऑफ पेन, स्टिफनेस और वीकनेस इन द पेशेंट। और इट्स क्वाइट इजी फॉर द एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट टू सेंस एंड द वुड अटेम्प्ट टू रीअलाइन द जॉइंट सर्फेसिस इन द लीस्ट प्रोवोकेशन वे। यानी जो है हमारे पास अगर इनमें से कोई कंडीशन पोजिशनल फॉल्ट के साथ आती हैं तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस फिजियोथेरापिस्ट जो कि इन ऑल कंडीशंस को जो है सेंस करेगा और वो अटेम्प्ट करेगा ऐसी पोजीशन, ऐसी जो है जॉइंट सर्फेसिस को जो है अप्लाई करेगा जिसमें हमारे पास पेन या सिम्टम्स के जो है प्रोवोकेशन कम से कम हो। अब हम बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू मुलिगन, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पॉइंट आता है द पैसिव एक्सेसरी जॉइंट मोबिलाइजेशन इज अप्लाइड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलबोर्न। दिस एक्सेसरी ग्लाइड मस्ट इटसेल्फ बी पेन फ्री। अब अकॉर्डिंग टू मुलिगन अगर आप पैसिव एक्सेसरी ग्लाइड जो है जॉइंट मोबिलाइजेशन दे रहे हैं तो वो हमेशा पेन फ्री होनी चाहिए। अगर वो पेन फ्री नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो आपकी पोजीशन सही नहीं है या जो है आप ग्लाइड सही नहीं दे रहे या कोई और फॉल्ट है। या मतलब पैसिव हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू मुलिगन पैसिव ग्लाइड जो भी हम देंगे अप्लाई करेंगे तो हमेशा पेन फ्री होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो ड्यूरिंग द असेसमेंट द थेरेपिस्ट विल आइडेंटिफाई वन और मोर कंपेरेबल साइंस। वो कंपेरेबल साइंस हमारे पास कौन कौन सी हैं तो इसमें हमारे पास आता है लॉस ऑफ जॉइंट मूवमेंट, पेन एसोसिएटेड विद मूवमेंट और पेन एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटीज़। अब अकॉर्डिंग टू मुलिगन ड्यूरिंग द असेसमेंट हमें जो है ये कंपेरेबल साइंस को फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास आती है द थेरेपिस्ट मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट रिएक्शन टू इंश्योर नो पेन इज रिक्रिएटेड। इसके साथ साथ थेरेपिस्ट जो है इन्वेस्टिगेट करेगा वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर ग्लाइड टू फाइंड आउट द करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान एंड ग्रेड्स ऑफ द एक्सेसरी मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी असेसमेंट हमारी अकॉर्डिंग टू मुलिगन है वो हमेशा पेन फ्री होनी चाहिए। तो थेरेपिस्ट कंटिन्यू पेशेंट के जो है फोकस करेगा, मॉनिटर करेगा कि कोई पेन जो है ड्यूरिंग असेसमेंट क्रिएट तो नहीं हो रहा और जो है वो डिफरेंट पैरेलल और परपेंडिकुलर ग्लाइड्स अप्लाई करेगा टू फाइंड आउट द करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो वाइल सस्टेनिंग द एक्सेसरी ग्लाइड द पेशेंट इज रिक्वेस्टेड टू परफॉर्म द कंपेरेबल साइंस। द कंपेरेबल साइंस शुड नाउ बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। अब मुलिगन साहब के मुताबिक जब भी जो है एक्सेसरी ग्लाइड देने के बाद कंपेरेबल साइंस जो कि इम्प्रूव होनी चाहिए, यानी जो भी पेशेंट को रिस्ट्रिक्शन थी या जो है क्रैकिंग साउंड से या रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड थी या जो है फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो कि लिमिट थी तो वो आफ्टर अप्लाइंग द एक्सेसरी ग्लाइड द कंपेरेबल साइंस शुड बी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। नंबर 5 पॉइंट की बात करें तो वो 4 पॉइंट से लिंक है। नंबर 5 पॉइंट ये कहती है कि फेलियर टू इम्प्रूव द कंपेरेबल साइन वुड इंडिकेट दैट द थेरेपिस्ट हैज़ नॉट फाउंड अ करेक्ट ट्रीटमेंट प्लान। अब इसका क्या मतलब है कि जो है आफ्टर अप्लाइंग द एक्सेसरी ग्लाइड तो जो है कंपेरेबल साइंस ठीक होनी ही होनी है, इम्प्रूव होनी ही होनी है। अगर कि वो कंपेरेबल साइंस इम्प्रूव नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो है मसला थेरेपिस्ट में, थेरेपिस्ट या तो उसने जो है सही ट्रीटमेंट प्लान नहीं किया या तो ग्रेड ऑफ मोबिलाइजेशन सही अप्लाई नहीं किया या स्पाइनल सेगमेंट या टेक्निक जो कि सही इंडिकेटेड नहीं की या डायग्नोज सही नहीं किया। अब नंबर 6 पॉइंट कहता है कि प्रीवियसली जो भी रिस्ट्रिक्शन थी या पेनफुल मोशन थी या जो वो एक्टिविटी जो कि पेशेंट परफॉर्म नहीं कर सकता था तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो जो है रिपीटेडली परफॉर्म करें वाइल द थेरेपिस्ट कंटिन्यू टू मेंटेन द एप्रोप्रिएट एक्सेसरी ग्लाइड। यानी जो भी जिस रेंज में जो है हमारी रेस्ट्रिक्शन थी या रेंज ऑफ मोशन कम थी, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वो जो है मोशन या जो मूवमेंट रिपीट करे, ताकि जो है थेरेपिस्ट उसकी कंटिन्यू ग्लाइड दे, ताकि वो जो है हमारी रेस्ट्रिक्शन हो जाए, जो है ख़त्म हो जाए या जो है रिकवर हो जाए। अब यहाँ पे मुलिगन साहब ने एक और पॉइंट को हाईलाइट किया था कि वाइल अप्लाइंग द मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट एज अ असेसमेंट द थेरेपिस्ट शुड लुक फॉर पिल रिस्पॉन्स। अब ये पिल रिस्पॉन्स क्या है कि पेन फ्री होनी चाहिए हमारी असेसमेंट, आई फॉर इंस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए और हमारा लॉन्ग लास्टिंग असेसमेंट होना चाहिए। और मुलिगन साहब ने कहा था कि ये आप जो है असेसमेंट करेंगे तो वो पेन फ्री भी होनी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट भी होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यही पिल रिस्पॉन्स हम ट्रीटमेंट में भी अप्लाई करेंगे कि ट्रीटमेंट भी हमारा इसी पर ही बेस्ड होगा, जो कि पेन फ्री होगा, इंस्टेंट रिजल्ट होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। देन सर ने बात की थी कि इफ़ देयर इज़ नो पिल रिस्पॉन्स द टेक्निक शुड नॉट बी एडवोकेटेड। इसका मतलब है कि अगर पिल रिस्पॉन्स आपका फुलफिल नहीं हो रहा तो आप कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सर ने सेकंड प्रिंसिपल भी बताया कि क्रॉक्स रिस्पॉन्स। अब क्रॉक्स रिस्पॉन्स क्या है कि सी फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशन, जिसमें हमारी नो पिल रिस्पॉन्स इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आर फॉर रिपीटेशंस, रिपीटेशन हमारी जो है 3 रिपीटेशंस अ डे होनी चाहिए। ओवर प्रेशर, कम्युनिकेशन, नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट प्लान एंड पैथोलॉजीज, सस्टेन द मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द मूवमेंट। तो ये हमारा क्रॉक्स रिस्पॉन्स है। अगर आपका जो है पिल रिस्पॉन्स जो है नहीं हो रहा तो आप सेकंड प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हैं वाइल जो है असेसमेंट और ट्रीटमेंट प्लान में भी। अब हम बात करते हैं द मुलिगन टेक्निक्स, यानी मुलिगन की कौन कौन सी टेक्निक्स जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आती है स्नैग्स टेक्निक। अब बात करते हैं कि स्नैग्स टेक्निक का मतलब क्या है। सबसे पहले स्टैंड फॉर सस्टेन नेचुरल एपोफाइजियल ग्लाइड। अब ये जो है टेक्निक है तो ये अप्लाई कहाँ होगी, तो ये टेक्निक जो है हमारी अप्लाइड होती है इन ऑल स्पाइनल जॉइंट्स, जिसमें हमारे पास आता है रिप केज, सार्कोइलियक जॉइंट और जो भी स्पाइन में मसला होगा, तो हम ये टेक्निक अप्लाई करके असेसमेंट भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब स्नैग टेक्निक में क्या होता है, द थेरेपिस्ट अप्लाई द एप्रोप्रिएट एक्सेसरी जाइगोफिजियल ग्लाइड वाइल द पेशेंट परफॉर्म द सिम्टोमेटिक मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं कि वाइल ग्लाइड आप जो है अपनी सिम्टोमेटिक मूवमेंट परफॉर्म करें। अब सिम्टोमेटिक मूवमेंट कौन सी होती है, जिसमें पेशेंट को पेन हो रहा हो या जिसमें पेशेंट की जो है रेंज ऑफ मोशन कम हो या जो वाइल परफॉर्मिंग द मूवमेंट आपको जो है क्रैकिंग साउंड्स हो, तो हम पेशेंट को कहेंगे कि वाइल ग्लाइड जो है आप वो सिम्टोमेटिक मूवमेंट परफॉर्म करें, ताकि वो मूवमेंट हमारी रिकवर हो जाए, हमारी रेंज ऑफ मोशन रिकवर हो जाए और हमारा जो है पेन कम हो। सो दिस मस्ट रिजल्ट इन फुल रेंज पेन फ्री मूवमेंट। स्नैग्स टेक्निक की बात करें तो स्नैग्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन सिम्टम्स आर प्रोवोक्ड बाय द मूवमेंट एंड आर नॉट मल्टी लेवल। अब स्नैग्स टेक्निक की जो है पोजीशन के बारे में बात करें तो अल्दो द स्नैग्स आर यूजुअली परफॉर्म इन वेट बेयरिंग पोजीशन। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये जो स्नैग्स टेक्निक वेट बेयरिंग पोजीशन में आप करें। सो जो अगर वेट बेयरिंग पोजीशन में नहीं कर सकते तो दे कैन बी अडॉप्ट फॉर यूज इन नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन, यानी वो नॉन वेट बेयरिंग भी कर सकते हैं। अब मुलिगन साहब का कहना है कि अगर किसी पेशेंट को हेडेक है और स्नैग टेक्निक अप्लाई करने के बाद वो पेन ख़त्म हो जाता है, वो जो है हेडेक ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो इन साहब का कहना है कि इफ़ अ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हेडेक ऑफ अपर सर्वाइकल ओरिजिन देन वन ऑफ द मोबिलाइजेशन और द ट्रैक्शन शुड बी अप्लाइड टू स्टॉप द पेन। सो वही बात जैसे कि हमने प्रीवियस बात की, तो मुलिगन एज्यूम दैट इफ़ द हेडेक स्टॉप विद द मैनुअल टेक्निक इन्वॉल्विंग द अपर सर्वाइकल स्पाइन then this must be diagnostically significant as a site of lesion causing the problem in the mechanical component। यानी अगर कोई टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपका हेडेक ख़त्म हो जाता है, पेन ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो लीजन, वो साइट आपकी इन्वॉल्व है जो कि कॉज कर रही है मैकेनिकल कंपोनेंट। तो हम जो है वो टेक्निक अप्लाई करके, स्नैग टेक्निक अप्लाई करके हम जो है हेडेक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, हेडेक के पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जो है वो पेन ख़त्म कर सकते हैं थ्रू स्नैग्स टेक्निक। अब हम बात करते हैं नंबर 2 टेक्निक, जिसको हम कहते हैं नागीज़ टेक्निक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नागीज़ स्टैंड फॉर, तो नागीज़ स्टैंड फॉर नेचुरल एपोफाइजियल ग्लाइड्स। अब ये ग्लाइड्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इट कैन बी यूज फॉर द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक स्पाइन। अब नागीज़ टेक्निक में हम जो है ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो हमने बात की स्नैग्स टेक्निक में, तो उसमें जो है हम सस्टेन ग्लाइड दे रहे थे। अब ये ग्लाइड हम कहाँ देंगे, इट कैन बी अप्लाइड टू द फेसेट जॉइंट बिटवीन सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। अब इस टेक्निक में इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है कि ये टेक्निक जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे मिड रेंज और एंड रेंज ऑफ फेसेट जॉइंट में। अब इसकी पोजीशन की बात करें या डायरेक्शन की बात करें तो इट कैन बी अप्लाइड इंटीरियर सुपीरियरली अलोंग विद अ ट्रीटमेंट प्लान। So नागीज टेक्निक वेरी यूजफुल फॉर ग्रॉसली रिस्ट्रिक्टेड स्पाइनल मूवमेंट्स, यानी जो भी हमारी स्पाइनल रिस्ट्रिक्शंस होती है या जो स्पाइनल मूवमेंट्स को जो है पेनफुल मूवमेंट होती है तो उसको जो है ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए या उसकी जो है मूवमेंट रिकवर करने के लिए हमारे पास नागीज टेक्निक अप्लाई करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 टेक्निक जो कि है पेरिफेरल मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। अब ये जो है हम कब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वंस एग्रीवेटिंग मूवमेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट ग्लाइड इज चूजन। इसका क्या मतलब कि सबसे पहले जो है थेरेपिस्ट असेसमेंट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि जो है एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन से हैं या जो है कौन सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या किसकी रेंज ऑफ मोशन कम है या कौन सी मूवमेंट पेनफुल है, उसके हिसाब से जो है फिर अप्रोप्रिएट ग्लाइड जो कि चूज़ करेंगे। अब ग्लाइड चूज़ करने के बाद थेरेपिस्ट ये डिसाइड करेगा कि आइदर द पेशेंट इज गोइंग विद वेट बेयरिंग पोजिशन और नॉन वेट बेयरिंग मूवमेंट, तो इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, इरिटेबिलिटी एंड द नेचर ऑफ द कंडीशन। अब मुलिगन साहब का कहना है कि वंस द ग्लाइड हैज़ बीन चूजन इट मस्ट बी सस्टेन थ्रू आउट द फिजियोलॉजिकल मूवमेंट। कब तक अप्लाई करेंगे? जब तक कि वो जॉइंट अपनी जो है नॉर्मल ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं आता, हम थ्रू आउट जो है वो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करते रहेंगे, वो ग्लाइड जो कि हमने चूज़ की थी वो परफॉर्म करते रहेंगे और तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में नहीं आ जाता। अब इसके साथ साथ ये बताया गया कि मोबिलाइजेशन जो कि हम परफॉर्म करेंगे वो अगेंस्ट रेजिस्टेंस करेंगे बट विथआउट पेन। मुलिगन साहब का कहना है कि पेन नहीं होना चाहिए, बाकी ग्लाइड जो भी है एक्सेसरी ग्लाइड दें, पैसिव ग्लाइड दें, जो भी टेक्निक अप्लाई करें, बट ये जो टेक्निक होगी वो होगी पेन फ्री टेक्निक। अगर कोई ग्लाइड में पेन हो रहा है तो उसका मतलब हमने प्रीवियस में भी बात की कि वो जो है ग्लाइड सही नहीं दे रहा या वो उसने सही ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाया या कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि मुलिगन टेक्निक अप्लाई करने में जो है कोई पेन नहीं होना चाहिए। देन मुलिगन साहब ने बताया कि आफ्टर अप्लाइंग द ग्लाइड द इमीडिएट रिलीफ ऑफ पेन एंड इम्प्रूवमेंट इन रेंज ऑफ मोशन आर एक्सपेक्टेड। अगर कोई इमीडिएट रिलीफ पेन में नहीं आ रहा या रेंज ऑफ मोशन या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप जो है ग्लाइड सही नहीं दे रहे या आपने डायग्नोस नहीं किया, तो फिर वापस से आप असेसमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, ग्लाइड चूज़ करेंगे, देन वो आप करेंगे अप्लाई। तब तक ये करते रहेंगे जब तक कि वो आपकी जो है सही इंप्रूवमेंट नहीं आती या पेन में रिलीफ नहीं आती। मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।